सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी डी सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वातंत्र वीर सावरकर का। दो दो जन्म की सजा जिन्हें मिली थी, काला पानी की सजा जिन्होंने काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। राष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है, न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। ये बड़ी मूर्खता की बात है कि तीन जो लेटर लिखते हैं, जो हमारे लिखने की तरीका होता है, परंपरा होती है, हम हिंदी में भी लिखते हैं आपका कृपा भिलाषी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मैं आपसे कोई भीख मांगने आ रहा हूँ या कृपा मांगने आ रहा हूँ, तो लिखने का तरीका होता है। तो वो बड़ी बड़ी बचकानी हरकत की कल उन्होंने। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग जेल गए और जेल की यात्राएं की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मंडले जेल में 6 साल रहे, उन्होंने माफी मांगी नहीं। सरदार भगत सिंह को फांसी हो गई, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। आज बटुक महाराज के, आज उसको हम स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने माफी नहीं मांगी। गांधी जी ने माफ़ी नहीं मांगी, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। यदि सावरकर देखना है तो दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। जब वो जेल गए उसके पहले सावरकर क्रांतिकारी थे, और उसके बाद जब जेल गए तो फिर वो लगातार माफ़ी मांगने लगे, और अंग्रेज़ों से उन्होंने वजीफा भी लिया, 60 रुपया उनको हर महीने पैसे मिलते थे, और जेल से छूटने के बाद कभी वो जो क्रांतिकारी उनकी छवि थी उसके विपरीत उन्होंने कार्य किया। तो ये दूसरे पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर जो काम किया है वो उसके इतिहास रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आप कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े नजर आते थे, सावरकर वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। ये कांग्रेस की मानसिकता है जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है ना देख पाएगी। वो ये शायद जानते नहीं गुजरात का मॉडल नंबर 1 मॉडल है, गुजरात का मॉडल विकास। देश का विरोधी है, हिंदू संस्कृति का वो विरोधी है, वो भारत का विरोधी है। इसीलिए हम यही बताना चाहता हूँ कि राहुल जी आपने जो बात बोला देश आपका ऊपर प्रतिशोध लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स। फॉर डेली अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल।